गाइस, चोर पुलिस के अजीबोगरीब केसेस आप हर बार सुनते हैं, लेकिन इस बार जो चीन का चोर पुलिस का केस आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद आप अपना सिर पकड़ लोगे। गाइस, चीन के फुजोऊ में चोर को पकड़ने के लिए जिस तरह की जांच पड़ताल हुई, उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। दरअसल 11 जून की रात को चीन के फुजोऊ में एक घर में चोरी होती है और हर बार की तरह पुलिस आती है, लेकिन चोर का कुछ अता पता ही नहीं लगता है। पर इस बार किचन में अंडे और नूडल्स को देखकर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि चोर रात को पक्का यहीं पर ही रुका होगा। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस को जांच पड़ताल में दो मरे हुए मच्छर मिल गए। पुलिस ने काफी होशियारी से अनुमान लगाया कि हो ना हो इन मच्छरों ने चोर का खून जरूर पिया होगा, इसलिए इन मरे हुए मच्छरों को इकट्ठा किया गया और उनके खून को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि टेस्ट के बाद एक क्रिमिनल से मैच हो गए और चोर पकड़ा गया। इसलिए कहते हैं कि चीन है तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल है। आपको इस इंटरेस्टिंग घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, वैसे तो लोग अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेकर अन्य देशों में घूमने जाते हैं ताकि तरोताजा महसूस कर सके, लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां अगर आप घूमने गए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। जी हां गाइस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। आप नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ गाइडेड ट्रिप पर ही जा सकते हैं, यानी कि हर समय आपके साथ एक गाइड जरूर होना चाहिए। वहां पर ना ही तो कोई वाईफाई है, ना ही कोई सोशल मीडिया है, ना ही किसी तरह का रिलीजन है, और ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन। वहां के लोग टीवी में बस नॉर्थ कोरिया को प्रेज करने वाले प्रोग्राम भी देख सकते हैं और कोरियन आर्मी से जुड़े त्योहार ही मना सकते हैं। देश छोड़ने से पहले वहां की आर्मी आपका फोन पूरी तरीके से चेक करती है ताकि आप कुछ ऐसा शूट ना कर लो जो कि उनके खिलाफ हो। ओवरऑल नॉर्थ कोरिया एक ओपन एयर प्रिजन है। गाइस, वो कहते हैं ना कि जब बदकिस्मती अपना रंग दिखाती है तो राजा भी रोड पर आ जाता है। एक ऐसी कहानी है अफगानिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी की, जो आज 88 साल की उम्र में अफगानिस्तान की सड़कों पर रेड़ी लगाकर फल बेच रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, ये बुजुर्ग शख्स जनरल शाह महमूद नियाजी है, जो किसी जमाने में अफगानिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर हुआ करते थे और उन्होंने 1990 तक सेना में अपनी सेवाएं भी दी थी। दरअसल इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो अफगानिस्तानी सेना में भर्ती हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके दो बेटे अफगानिस्तान की सिविल जंग में मारे गए थे और तभी से उन दोनों बेटों के परिवारों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। यही नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी महमूद जी ने किसी से मदद नहीं मांगी और खुद ही अपने दोनों बेटों के परिवारों का पेट पालने के लिए रेड़ी लगाकर फल बेचना चालू कर दिया। पर गाइस, महमूद जी का ये खुदारी वाला जज्बा आज सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। गाइस, हमारे देश की बेटियों ने हर क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारी बेटियों को सिर्फ नरम और कोमल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर यही बेटियां जाबाजी दिखाने से पीछे नहीं हटती हैं। और कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया है कैप्टन मोनिका खन्ना ने, जिन्होंने रविवार को करीब 12 बजे स्पाइस जेट के बोइंग 737 विमान से 185 यात्रियों के साथ पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के तुरंत बाद ही विमान के इंजन से पक्षी टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। नीचे कुछ लोगों ने जब विमान से धुआं निकलता देखा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन कैप्टन मोनिका खन्ना को बताया। उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए विमान का एक इंजन बंद कर दिया। कैप्टन मोनिका खन्ना ने विमान को सिर्फ दूसरे इंजन पर उड़ाते हुए पटना एयरपोर्ट की तरफ वापसी की और सुरक्षित तरीके से विमान को जमीन पर उतार दिया। गाइस, सल्यूट है कैप्टन मोनिका को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इतने लोगों की जान बचाई। आप भी अपनी बेटियों को प्रोत्साहन दें, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहती हूं, उन्हें जरूर सपोर्ट करें। और ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।